ओंकारेश्वर कार्तिक मेले के चलते कुबेर भंडारी क्षेत्र में दुकान लगाकर जीविका चला रहे हैं। अस्थायी दुकानों को भी प्रशासन ने अतिक्रमण के नाम पर बिना सूचना दिए तोड़कर हजारों का नुकसान कर दिया। महिलाओं ने चर्चा में कहा, लोन लेकर हम दुकान चला रहे थे, न्यायालय के नाम पर लोगों को यहां प्रशासन द्वारा हटाया जा रहा है। विधायक सांसद को भी इसकी शिकायत की है, प्रशासन के आतंक पर रोक लगाई जाए, अन्यथा आंदोलन हेतु महिलाओं को बाध्य होना पड़ेगा। अभी तक मेला भी नहीं लगा है, बाहर के लोग परेशान हो रहे हैं, दुकानदारों को प्रशासन की मनमानी तथा न्यायालय के नाम पर तंग किया जा रहा है। ओंकारेश्वर मध्य प्रदेश से आकाश शुक्ला की रिपोर्ट, देखते रहिए आपका अपना चैनल आंचलिक खबरें, अपनों की खबर आप तक। शासकीय भूमि पर अवैध रूप से यदि कोई अतिक्रमण किया जाएगा और उससे आम नागरिकों को पार्किंग के संबंध में या किसी भी प्रकार की असुविधा होगी तो वो हमारी ड्यूटी है, वो अतिक्रमण हटाएंगे और उसी पर्पज से हमने अतिक्रमण हटाया। सर, इनका कहना है कि हमने माल खरीद रखा है, हमको बिना सूचना दिए ही अतिक्रमण हटाया जा रहा है। देखिए, अस्थायी प्रकार का अतिक्रमण था, इसके लिए इनको किसी भी प्रकार का सूचना देना अनिवार्य नहीं है। ये जो है, यदि इनने किसी प्रकार का कंस्ट्रक्शन करके अतिक्रमण किए होते तो बिल्कुल इनको सूचना दी जाए। बर्ताव हो रहा कि गरीब के लिए थोड़ी सी जगह नहीं, जो मेन रोड पे बड़े बड़े बिल्डिंग बड़ी बड़ी दुकानें बनी है उनको हटाना नहीं चाह रहे हो, गरीब को परेशान कर रहे। मेरी 70,000 की गुमटी आज गड्ढे में धकेल दी, 100 फीट गड्ढे उंडे गड्ढे में। किनके द्वारा अतिक्रमण हटाया गया? अधिकारी ने शिकायत की कि तुम गुमटी हटाओ। अब हम बोल रहे हैं कि हम चक्के गाड़ी के ला रहे हैं गुमटी के, और ना तो हमको पहले किस जगह लगी थी गुमटी? ये बरसाले के सामने पार्किंग। क्या नाम है आपका? आनंदी भाई। हम तो दुकान लगा रहे हैं, कब से लगा रहे हैं, सावन के पहले से गर्मी से लगा रहे हैं, हमको कहीं दुकान लगाने को जगह नहीं दी। हमारा अधिकार बनता है दुकान लगाने का, सबको दिए तो हमको भी दे लगाने के लिए। हमने भी माल ले रखा है, हमने भी लोगों से पैसे ले रखे हैं और सामान लिया है, तो हमको भी दुकान लगाना चाहिए। नहीं तो एसडीएम साहब तो बोल रहे हैं कि इसमें कोई अतिक्रमण अस्थाई है, अस्थाई तो हटा सकते हैं, कोई सूचना नहीं आएगी। फिर आप क्या? तो अभी तो मेला चल रहा है ना।